am Harvinder. I'm associated with this organization in the capacity of business unit head. And if I just tell you about this organization in brief, we are a scientific research program which helps schools to grow. If I'm talking about that we are helping schools to grow, it's about three A's: academic, administration, and admission. Yeah. Now, the biggest question whenever we do such kind of interaction, the biggest question in the mind of school owners comes in, because everything happens with the finance. And looking at the situation in Kashmir, I understand the situation, because first this 370 came and then this COVID came. The learning has impacted a lot. So as per our data of UNICEF, if you look at learning crisis has been a global challenge. So worldwide, if you look at youth, the generation, the young generation which are coming out from college, 50% of the young generation is failing to learn. And same data says that by 2030, South Asian countries like India, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan will produce maximum skilled labor. So we as an organization working to help schools to overcome this learning crisis also. And I'll come to the school benefits, how we are going to impact. So as I told you that we are working on school admissions. तो सर, हम लीड ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हैं जो बच्चों में स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस कर रही है, और हमारी कोशिश है कि हम बहुत सारे बच्चों तक पहुँचे जिनको हम अफोर्डेबल एजुकेशन दे सकें, और एक्सेलेंट एजुकेशन जिसमें रिजल्ट्स गारंटेड हो. बच्चे में स्किल डेवलपमेंट पे फोकस है, और कोशिश हमारी ये है कि कश्मीर में हम मैक्सिमम स्कूल्स तक पहुँचे, ताकि बच्चों को हम फ्यूचर रेडी कर सकें, ताकि बच्चा जब हमारा बाहर निकले तो उसमें कॉन्फिडेंस हो, और वो खड़े हो करके जब बात करे तो कश्मीर की ज़मीन से वो बोल रहा है, ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है. और वो तभी होगा जब उसमें वो स्किल, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कौशल विकास, तो वो होना बहुत ज़रूरी है. इसी पर हमारा फोकस है. लीड्स में क्या है जो आप बच्चों को देंगे, या टीचर्स को, क्योंकि आपने आज इनको जो असिस्टेंट किया उनको आप समझाने, इसमें क्या क्या आप देंगे बच्चों को जिससे उनकी जो सलाहियत है, स्किल्स, वो डेवलप हो जाए? तो जो स्किल्स उनकी डेवलप होंगी वो होंगी टीचर्स के थ्रू. तो टीचर्स की लगातार ट्रेनिंग, पेरेंट्स की लगातार सेशंस, कि जिसमें हम पेरेंट्स की अवेयरनेस बढ़ाएंगे, पेरेंट्स को जो चीज़ों का मालूमात नहीं होता है उसके बारे में उनकी अवेयरनेस बढ़ाएंगे, उनको वो बताएंगे कि दुनिया में कैसा चल रहा है, और स्किल डेवलपमेंट से बच्चे में, कश्मीर के अपने बच्चे में वो क्या बदलाव ला सकते हैं. अब बच्चे कैसे इसमें आना चाहेंगे, उनको कैसे कॉन्टैक्ट करना है, कैसे आपसे वो मिलेंगे और कैसे इसमें वो आ सकते हैं? तो ये प्रोग्राम स्कूल्स में रन करेगा. तो आज जैसे आपने देखा, हमने बहुत सारे स्कूल के मैनेजमेंट आए थे जो इस प्रोग्राम का हिस्सा थे. तो ये मैनेजमेंट अब इसको आगे लेके जाएंगे, और ये मैनेजमेंट वो है जो ऑलरेडी कश्मीर के स्कूल्स में बहुत अच्छे से काम कर रहा है. तो इन्हीं के ज़रिया है कि हम स्कूल्स के ज़रिए इन बच्चों तक पहुँचेंगे. जो भी स्कूल हमारे साथ जुड़ते चलेंगे, उस स्कूल में अगर 500 बच्चा है, 1000 बच्चा है, तो वो सारा बच्चा इस प्रोग्राम का लाभ उठा सकेगा.